गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल एंड सेफ। सो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। नाउ टुडे वी विल डू क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ वर्कशीट 1 चैप्टर 1। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट द न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग। हमको क्या करना है, यहाँ पर हमारे नंबर नेम्स दे रखे हैं, उसको हमें न्यूमरल्स में चेंज करना है। जैसे फर्स्ट है 244,300, तो आप इसका जो है ये 244 है, आप बुक से देख के कर सकते हैं। ओनली मैं आंसर आपको बता दूँ, बुक से आप ए वाला पूरा नंबर नेम लिखिएगा, देन उसके नीचे उसका आंसर लिखिएगा 244,000। तो 244,000 ये हमारा इंटरनेशनल सिस्टम है, 244,300 आप आगे आप दे दो, ये हमारा आंसर हो गया। अब बी है हमारा 420,000। अब देखिए इसमें लैक आ गया, लैक है तो ये इंडियन सिस्टम है, जहां पर 100,000 आता है वहां पर हमारा 444,000 जिस टाइप से आता है वो हमारा इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में आता है, मिलियंस और थाउजेंड। यहाँ पर लैक है, लैक हमारा इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में आएगा। तो देखिए 420,440। अब देखो 4,20,440, और सम सी और डी की आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, यू डू योरसेल्फ। ठीक है बेटे, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, चेंज द फॉलोइंग नंबर्स रिटन इन इंडियन वे इनटू इंटरनेशनल वे। अब यहाँ पर आपके नंबर्स जो है वो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में लिखे हैं, इसमें आपको कॉमा जो है वो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में लगा दो। देखिए फर्स्ट है आपका ए 529,347, ये लिखा है 5,29,347, ये हो गया हमारा इंडियन सिस्टम या इंडियन सिस्टम। अब यहाँ पर हम लिख किस में इसको चेंज कर रहे हैं, इंटरनेशनल। अब हम पहले इस नंबर को लिख लेंगे 529,347। अब हम कैसे करेंगे, वंस टेंस हंड्रेड कॉमा थाउजेंड टेन थाउजेंड हंड्रेड थाउजेंड, बस हमारा ये यही खत्म हो जाएगा। ये हमारा इंडियन सिस्टम में लिखा है, इसको इंटरनेशनल सिस्टम में बोलेंगे 529,347। एक और मैं बता देती हूँ इसमें आपको, एक के साथ में एक आपको बी वाला भी बता दे रही हूँ, 2,64,645। अब आप बिल्कुल एज इट इज इधर लिख लीजिए इसको 2,64,645। अब देखिए वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड हंड्रेड थाउजेंड, यहाँ पर कॉमा ठीक के बाद, तो ये हमारा क्या हो गया 264,645। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कॉमा किस तरह से हम चेंज करते हैं। आपको ये टेबल को लर्न रखना है अपने माइंड में, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम भी और इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम भी, अगर ये आपको लर्न हो जाएगा तो आपकी किसी भी सम में कोई मिस्टेक नहीं होगी। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका बेटे, चेंज द फॉलोइंग नंबर्स रिटन इन इंटरनेशनल वे टू इंडियन। अब यहाँ पर नंबर्स हमारे इंटरनेशनल सिस्टम में लिखे हैं और हमको उसको किस में चेंज करना है, इंडियन सिस्टम। देखिए फर्स्ट है हमारा ए, क्वेश्चन 6 का ए है 601,37। यहाँ पर भी हम ऐसे लाइन कर लेंगे, ये इंटरनेशनल हो गया हमारा। अब चेंज किस में कर रहे हैं हम, इंडिया में, पर छोटा सा लिख लीजिए। अब देखिए इस नंबर को एज इट इज पहले लिख लीजिए, अब इसको इंडियन के अकॉर्डिंग हम कॉमा लगाएंगे, वन स्पेंस हंड्रेड कॉमा थाउजेंड टेन थाउजेंड कॉमा लेफ्ट। अभी हमारा 601,371 इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में चेंज होके क्या बन जाएगा, 6,01,371। राइट डाउन, एक और भी करवा देती हूँ मैं आपको इसमें से, सम नंबर एफ 333,209, इसको भी आप एज इट इज करें यहां लिख लीजिए। अब कॉमा वन स्पेंस हंड्रेड कॉमा थाउजेंड टेन थाउजेंड कॉमा लेफ्ट, अब ये 333,209। अब इसको हम जब इंडियन सिस्टम में चेंज करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, 333,209।
So write down question number 6. Now question number 7. So student, write till question number 6. Then we start question number 7. So students, write down question number 7 is, write down the place values of the colored digit. जो नंबर्स मैंने कलर चॉक से लिखे हुए हैं, हमें उसकी प्लेस वैल्यू बतानी है इन द फॉलोइंग नंबर्स, इन जो नंबर्स हैं इनमें। सबसे पहले तो हम इसमें देखेंगे बेटे, क्या लिखा है ये 2345। तो 4 की प्लेस वैल्यू क्या है? 4, 4 के बाद कितने डिजिट है? सिंगल डिजिट है, तो आप सिंगल जीरो बता दीजिए। 45, तो 40, तो 4 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 4040। अब सब नंबर सी देखिए, अब यहाँ पर हमारा सब नंबर सी है 100327। अब ये नंबर है, यहाँ पर हमें 7 की प्लेस वैल्यू बतानी है। तो स्टार्टिंग हमारी किससे होती है? 7। 7 जो है, 7 की प्लेस वैल्यू क्या है? 7 ही है, क्योंकि 7 जो है वो 1 है। इसकी 7 की प्लेस वैल्यू क्या रहेगी? ओनली 7, कोई भी जीरो इसमें नहीं लगेगा। या हम इसको ब्रैकेट में ONES 1s भी लिख सकते हैं, और नहीं लिखे तो भी ये सही रहेगा। सेकंड, नाउ सम नंबर H। अब सम नंबर H देखिए, यहाँ पर ये 9 जो है ये हमारा कलर डिजिट है। तो 9 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 1s, 10s, 100। 9 की प्लेस वैल्यू क्या है? 9, और 9 के आगे 2 जीरो लग जाएंगी, क्योंकि ये 2 डिजिट है, आगे 2 जीरो लगा दी, 937 है। तो हमने यहाँ पर 9 की प्लेस वैल्यू क्या लिख दी? 900। अब सम नंबर I है, अब इसमें देखिए 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, फिर लैक। ये इंडियन सिस्टम में लिखा हुआ देख लीजिए आप, कॉमा लगा दिया तो। ये 8 की प्लेस वैल्यू क्या है हमारी? 1 लैक। अब 8 आ गया, 8 के बाद हम कॉमा लगाएंगे, फिर ये 2 डिजिट, 20, फिर कॉमा, ये 3 डिजिट, यहाँ पर 3 की जगह 30 आ गया, ये 3 डिजिट की प्लेस पे। तो 8 की प्लेस वैल्यू हमारी क्या हो गई? 8 लैक। अब इन सम्स को आप अपनी कॉपीज में अच्छे से लिख लीजिएगा, और जो बाकी सम्स बचे हैं उनकी आप अपनी रफ कॉपी में बैठे प्रैक्टिस कीजिएगा। So students, this is all for today. Now thank you.